ఒక్కసారి किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े चंद्रबाबू नायडू, व्यक्तिगत हमले से वो बहुत ही आहत हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही झलक आप देख रहे हैं जहां पर वो अपने आंसुओं को भी नियंत्रण में नहीं रख सके और किस तरह से रो पड़े चंद्रबाबू नायडू, ये तस्वीर आपके सामने। इस वक्त हमारे साथ प्रसाद भूसेकर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रसाद, इस तरह की तस्वीर कभी दिखाई नहीं देती जब इतने बड़े नेता टीडीपी के अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू, और किस तरह से वो रो पड़े इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो व्यक्तिगत हमले उन पर होते रहे हैं उससे बेहद आहत। बिल्कुल मीमांसा, लेकिन जो वाकया आज आंध्र प्रदेश के असेंबली में हुआ वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि जो सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है, और पहले दिन आज के जो कल से जो सेशन शुरू हुआ आंध्र प्रदेश असेंबली का, तो आज पहला दिन था चंद्रबाबू नायडू आए, और कल ही जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है वो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में पराजित हुई थी सभी जगह, एक जगह छोड़ करके। तो आज जो टीडीपी के एमएलए और वाईएसआरसीपी के एमएलए दोनों में काफी तीखी बहस हुई, और कथित तौर पर जो हमको बताया गया है कि एक टीडीपी के एमएलए ने वाईएसआरसीपी के एमएलए पर जो है पर्सनल रिमार्क्स किए, उसी के चलते वाईएसआरसीपी के एक एमएलए ने जो है काफी आपत्तिजनक बात की है चंद्रबाबू नायडू के धर्मपत्नी के ऊपर, और जिसके बाद वो उठ करके चले गए, और ये उन्होंने शपथ ली बाकायदा असेंबली में कि वो फिर से असेंबली में तभी लौटेंगे तब वो मुख्यमंत्री बनकर वापस आएंगे, और उसके बाद वो सीधे अपने पार्टी के दफ्तर में गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई, और जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ तो काफी रोने लगे, और उन्होंने कहा, हालांकि तेलुगु में कहा उन्होंने, कि मेरी पत्नी कभी भी राजनीति में रुचि नहीं रखती थी, पॉलिटिक्स में कभी रुचि नहीं रखती थी, जब उनके पिता यानी एनटीआर जो दिवंगत मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के थे जब भी, और जब चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे तभी भी वो कभी इंटरेस्ट नहीं लगती, लेकिन इस प्रकार का कैरेक्टर असैसिनेशन काफी दुर्भाग्यपूर्ण है जी। सियासत में इस तरह के व्यक्तिगत हमले किसी के लिए भी नहीं होने चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, और ये देख रहे हैं आप चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने संकल्प लिया है कि सत्ता में लौटने तक वो आंध्र प्रदेश विधानसभा सदन में अब कदम नहीं रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौट रहे हैं।